घर, ठीक है, ये देख लो। अच्छा, इस किले को कंप्लीट होने में 700 ही लगे थे, 700 साल। 700 साल, यस। 27 जनरेशन इस फोर्ट को मिलकर कंप्लीट करवाया। जी जी। 39 किंग इस किले के अंदर राज कर चुके। अभी 40 राजा थे, महाराजा भवानी सिंह जी, अगर आपने सुना हो तो उनका डेथ 2011 के अंदर हुआ था। अच्छा। महाराजा भवानी सिंह जी की कोई लड़का नहीं है, एक लड़की है। लड़की की जो लड़का हुआ उस लड़के को महाराजा भवानी सिंह जी ने अडॉप्ट किया है। जी जी। तो अभी के राजा वही है। अभी वो कहाँ रहते हैं, सिटी पैलेस में? उनका नाम पद्मनाभ सिंह है और उनकी आयु 24 ईयर्स। यार होता है, इसको टेस्टिंग फायर के लिए एक ही बार चलाया गया था देखने के लिए चलता है नहीं। जी। चलाने के लिए इसको 100 किलो गन पाउडर एंड 50 kg आयरन बोल का आवश्यकता होता है। अच्छा। और इसको चलाने के लिए फ्यूज का भी आवश्यकता होता है, जो तोप की नाल के ऊपर से लेकर पीछे जो दीवार देख रहे हैं आप, जी जी जी, वहाँ तक लगा लिया करते हैं। दीवार के नीचे एक टैंक बना हुआ, वाटर टैंक। उस टैंक के अंदर तोप को जो चलाने वाला सोल्जर था उसने जंप किया था बचने के लिए, बट वो बच नहीं पाया था। तोप का साउंड इतना तेज था कि पानी के अंदर जाने के बाद भी उसके कानों के पर्दे फटकर खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा राजपूत राजा मान सिंह का जयगढ़ का किला। भाइयों, ये वही किला है जब एमरजेंसी देश में लगी थी तो इंदिरा गांधी ने भर भर के ट्रक यहाँ से सोना निकलवाया था। और ये किला सरकारी नहीं है, आज भी राजा इस किले के अंदर यहाँ पर जयपुर में रहते हैं। उनका एक लड़का है, एक ही वारिस है, वो इस किले का मालिक है। पूरा किला घुमाएंगे। और यहाँ इस किले में एक तोप रखी हुई है, जयगढ़ तोप जिसको बोलते हैं, पूरे दुनिया की नंबर वन तोप है। इससे भारी तोप आपने आज तक जीवन में नहीं देखी होगी। और तोप बनाने का कारखाना भी आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और राजा कैसे रहते थे, उनके सामान शस्त्र कैसे रहते थे, पूरी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भाइयों काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। रमेश मीणा। हाँ रमेश मीणा जी, थोड़ा हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बताओ, इस किले के इतिहास के बारे में। देखिए सर, आप ये जो किला देखने हैं, इस किले का नाम है आमिर का किला जयगढ़। आमिर पैलेस इसके डाउन बनाया गया रेजिडेंस पर्पज़ के लिए, ये किला डिफेंस सेफ्टी के लिए बनवाया गया। जी जी। इस किले का फाउंडेशन महाराजा काकिल देव ने 1036 के अंदर करवाया था, उसको कंप्लीट करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड ने। अच्छा। इस किले को कंप्लीट होने में 700 ही लगे थे, 700 साल। 700 साल, यस। 27 जनरेशन इस फोर्ट को मिलकर कंप्लीट करवाया। जी जी। 39 किंग इस किले के अंदर राज कर चुके। अभी 40 राजा थे, महाराजा भवानी सिंह जी, अगर आपने सुना हो तो उनका डेथ 2011 के अंदर हुआ था। अच्छा। महाराजा भवानी सिंह जी की कोई लड़का नहीं है, एक लड़की है। लड़की की जो लड़का हुआ उस लड़के को महाराजा भवानी सिंह जी ने अडॉप्ट किया है। जी जी। तो अभी के राजा वही है। अभी वो कहाँ रहते हैं, सिटी पैलेस में? उनका नाम पद्मनाभ सिंह है और उनकी आयु 24 ईयर्स है। 24। और आपने सिटी पैलेस देखा है, देखने जाओगे? देखा है। हवा महल के पीछे जस्ट सिटी पैलेस बना हुआ, रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। जी जी। तो मतलब रॉयल फैमिली सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सिटी पैलेस एंडी वाला किला आज भी उनका पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि जितना भी पैसा ट्रस्ट के पास आता सारा उन्हीं के अंडर में जाता है, क्योंकि उनका पर्सनल यहाँ पे किसी का कोई लेना देना नहीं। अच्छा। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अच्छा। इसके चेयरमैन वो खुद है। जी जी। आप ये जो तोप देख रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तोप, इसका नाम है जयवान तोप, जो महाराजा सवाई जयसिंह जी के नाम से रखा गया था। अच्छा अच्छा। सन 1720 ईस्वी में तोप बनकर तैयार हुआ था, इसको टेस्टिंग फायर के लिए एक ही बार चलाया गया था देखने के लिए चलता है नहीं। जी। चलाने के लिए इसको 100 किलो गन पाउडर एंड 50 kg आयरन बोल का आवश्यकता होता है। अच्छा जी। और इसको चलाने के लिए फ्यूज का भी आवश्यकता होता है, जो तोप की नाल के ऊपर से लेकर पीछे जो दीवार देख रहे हैं आप, जी जी जी, वहाँ तक लगा लिया करते हैं। दीवार के नीचे एक टैंक बना हुआ, वाटर टैंक। उस टैंक के अंदर तोप को जो चलाने वाला सोल्जर था उसने जंप किया था बचने के लिए, बट वो बच नहीं पाया था। तोप का साउंड इतना तेज था कि पानी के अंदर जाने के बाद भी उसके कानों के पर्दे फटकर खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा। इस तोप का जो रेंज होता है वो 35 किलोमीटर दूर तक का होता है, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जहाँ इसका गोला जाके गिरा एक गाँव चाकसू टोंक रोड पर, चौकी ढानी से आगे जाकर, तो वहाँ इसका गोला जाके गिरा। तो महाराजा सवाई जयसिंह जो थे उस गोले को देखने के इच्छुक थे, उन्होंने वहाँ पर खुदाई करवाई, जो वहाँ पे खड्डा हुआ, लोग बाग उसे आज भी गोली मार खड्डा कहते हैं, खड्डा वहाँ पे आज भी। इस तोप को यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में ला के असेंबल किया गया। अगर तोप का डायरेक्शन चेंज करना हो तो 4 एलिफेंट की हेल्प से तोप का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जिसका वेट होता होता 250 टन, 2,50,000 किलो टोटल वजन है इस तोप का। पहियों वाला जो गाड़ी देख रहे हैं 200 टन का, जो टोटल लोहे से बना हुआ। जी जी जी। तोप का जो नाल देख रहे हैं 50 टन का और 8 मेटल से बना हुआ, इसमें सोना चांदी लोहा पीतल जस्ता सीसा अब्रक ऐसे कई आदतों का मिश्रण जैसा बनाया गया था, आज वैसा ही कभी उसमें जंग नहीं लगता है। वैसे तोप का पूजा हमेशा हर दशहरे के दिन होता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा लोग इनमें शस्त्र पूजन होता है। तो हमेशा हर दशहरे के दिन यहाँ के प्रेजेंट किंग पद्मनाभ सिंह जी आते हैं, इस तोप का पूजा करवा के जाते हैं। इस तोप के आगे वाले व्हील देख रहे हैं, इनका लंबाई 9 फीट है, और पीछे वाले व्हील देख रहे हैं उनका लंबाई 4.5 फीट है। जी। ऊपर चलते हैं। अच्छा अच्छा। ये यहाँ हमने सुना है यहाँ तोप का कारखाना भी था।
हाँ किले के अंदर है वो, किले का यहीं से इसका चलिए वहाँ बना के अलग अलग पार्ट्स में लाए गए। अच्छा अच्छा चलिए ये देख लो भाई, हो गजब वीडियो में बने रहे हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे आज। यहाँ से नज़ारा देखो आप जी, सामने देखेंगे जलमहल। हाँ जलमहल दिखाई दे रहा है जी, जलमहल महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1799 के अंदर निर्मित करवाया था। वो इसलिए निर्मित करवाया था, जो आज के ज़माने में लाइट वगैरह एयर कंडीशन वगैरह करते हैं, पहले के ज़माने में नहीं हुआ करते थे जी, जी। तो खास ग्रीष्म काल के लिए बनवाया गया था, जो गर्मी का ऋतु होता था, तो सारे महाराजा लोग आकर वहाँ पे आराम किया करते थे, क्योंकि जो वहाँ का वातावरण होता पूरा ठंडा होता है। वैसे जलमहल बनवाने का एक कारण था, दूसरा कारण था जो राजा लोग थे इनको शिकार करने का बड़ा शौक हुआ करता था, तो वहाँ पर कोई भी जानवर इस जंगल में से पानी पीने के लिए वहाँ जाएगा उसको अंदर से अटैक करके मार डालेंगे। नीचे देखेंगे, दिस इज वाटर कैनाल इज 5 किलोमीटर है, जो नाला टाइप का देख रहे हैं आप जी जी जी, ये पानी का नहर है और ये पहाड़ी के 5 किलोमीटर एरिया से बन के आ रहा है, यानी 5 किलोमीटर एरिया में जितना भी बारिश होगा उस पूरे बरसात का पानी इकट्ठा होकर इस वाटर कैनाल के थ्रू आएगा। ये वाटर कैनाल यहाँ से अंडरग्राउंड होकर किले के अंदर वहाँ ओपन हो रहा है, जहाँ से 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने खजाना निकाला था। आपने सुना होगा 76 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई करवाई थी यहाँ पर, और इमरजेंसी टाइम में यहाँ से खजाना निकलवाया गया था, तो उस जगह मैं आपको आगे दिखाऊंगा जहाँ से खजाना निकलवाया गया था। निकला था, बिल्कुल निकला था। और ये तो इनकी राजा साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इमरजेंसी थी ना उस टाइम। अच्छा इमरजेंसी थी इस वजह से जी। ये वही वाटर कैनाल है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन बनाओ, इधर से नीचे उधर से ऊपर, ये जानते हुए कि पानी को चढ़ने में कठिन होगा, फिर उन्होंने ऐसा बनवाया। उसका कारण ये था कि जो बरसात का पहला पानी होता है वो गंदा पानी होता है, उसके साथ ही मिट्टी के कण कंकर वगैरह जो भी होते हैं ना वो नीचे की साइड पर जमा हो जाते हैं, पानी क्लीन होकर आगे बढ़ता है जी जी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा एरिया की बात करें तो सर ये कितने एरिया में किला होगा? 1.5 किलोमीटर एरिया बना हुआ, 1.5 किलोमीटर एरिया में, 1.5 किलोमीटर एरिया बना हुआ, एक से लेकर 1.5 किलोमीटर आना जाना हो जाता है इसमें, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब कहाँ जाना है? बंद करो, बंद ही है। जिस टैंक होते थे टैंक, हाँ जिस टैंक के अंदर तोप को जो चलाने वाला सोल जाता ना, उसने इसी टैंक के अंदर जंप किया था बचने के लिए, बट बच नहीं पाया था, तोप का साउंड इतना तेज था कि पानी के अंदर जाने के बाद भी उसके कानों के पर्दे फट कर खत्म हो गए थे। सामने देखना फ्लैग, अपना जो इंडियन फ्लैग होता है वो ओनली 3 कलर का होता है, ये जो देखेंगे 5 कलर का है, क्योंकि इंडियन फ्लैग ना कि जो महाराजा मानसिंह फर्स्ट थे उन्होंने काबुल के अंदर 5 स्टेट एक साथ फतह किए थे, 5 जगहों पे एक साथ जीत हासिल की थी, इसलिए इसके अंदर 5 कलर। अच्छा अच्छा, इस फ्लैग के ऊपर मेको फ्लैग लगता है, जिसका मतलब ये होता है जो राजा लोग कहीं जयपुर से बाहर जाते हैं तो ऊपर वाले फ्लैग को डाउन कर दिया जाता है, अगर यहीं रहते हैं तो ऊपर वाले फ्लैग को लगा दिया जाता है। अभी ऊपर वाला फ्लैग नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट किंग पद्म नाथ सिंह जी है वो यहाँ नहीं है, अभी नहीं है जी, जब आ जाएंगे तब लगा देंगे, नहीं यहाँ नहीं है तो हटा देगा। तो इससे जयपुर की पब्लिक और अपने को ये इंडिकेशन मिलता है कि राजा यहाँ पे है या नहीं, राजा साहब यहाँ पे है या नहीं, बिल्कुल सही। अभी गाड़ी में चलना और वो जगह देखना जहाँ से इंदिरा गांधी का खजाना निकल रहा जी। चलिए भाइयों आपको लेके चलते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर एमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने जयगढ़ किले से खजाना निकाला। हाँ जी, हेलो सर जी, बताइए सर। देखिए वाटर टैंक है जो मैंने वाटर कैनाल दिखाया था, जिससे वाटर कैनाल के थ्रू यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। हाँ। अभी इसके अंदर क्या है, बरसात स्टार्ट हुआ है। हाँ। जैसे बरसात होगा पूरा भर जाएगा, इसके अंदर पानी बहुत कम है, नीचे जाके देख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंदर तक स्टोर जा रहे हैं क्योंकि काफी गहरा है। हाँ जी हाँ जी, ये देख लो जी, ये पानी कहाँ स्टोर होता था। तो देखिए सदियों से लोग इस पानी को पीते आ रहे हैं और आज ही पी रहे हैं। 60 लाख गैलन वाटर क्षमता इसके अंदर, ये एक बार भर जाने के बाद में 10,000 लोग 2 साल तक इसका पानी रेगुलर यूज ले सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस वाटर टैंक का लंबाई 158 फीट, इसका चौड़ा 138 फीट और ये 40 फीट गहरा है। 40 फीट 40 फीट डी जी। इसके चारों तरफ में ऐसे विंडोज लगे हैं जिनसे हवन दा जाता है और इसके अंदर में 81 पिलर्स लगे हैं जिन पे छत टिका हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी, पूरे किले को सील करवाया था और जांच पड़ताल करवाई थी कि अभी खजाना है या नहीं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि खजाना आता कहाँ से था। सही बात है जी। महाराजा जो मानसिंह फर्स्ट थे वो अकबर के सेनापति थे, तो आपने जोधाबाई का नाम जरूर सुना होगा। बिल्कुल सुना है। जोधाबाई जो थी महाराजा मानसिंह की स्टेप सिस्टर थी, तो उनका विवाह हुआ था अकबर के साथ, तो विवाह करते समय मानसिंह एंड अकबर के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था। कॉम्प्रोमाइज ये हुआ था कि हम जहाँ का राज लूटेंगे वहाँ का फ्लैग होगा अकबर का, जो भी माल मिलेगा होगा महाराजा मानसिंह फर्स्ट का, यानी नाम अकबर का माल मानसिंह का। सही। तो महाराजा मानसिंह जितना भी खजाना लूट करके लाते, जीत करके लाते, हमला करके लाते, 40 फीट गहराई के नीचे छिपा करते थे खजाना। अभी आप लोग कहेंगे पानी के नीचे कैसे रखते थे खजाना, तो फर्स्ट के नीचे था खजाना, फर्श के ऊपर में पानी और उसका किले के बाहर से रास्ता कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इसके अंदर खजाना हो सकता है। बट पहले क्या करते थे, जगहों के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे जी। जब इंदिरा गांधी यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू करवाई थी उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले कि इसके अंदर खजाना, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इंदिरा गांधी फर्श की को दे करवाई, दीवारों को दे करवाई,
और यहाँ से खुदाई करवा कर इंदिरा गांधी यहाँ से 7 ट्रक्स गोल निकाली, 7 ट्रक्स होने, 7 ट्रक निकलवा कर भी ऐसा डिक्लेयर करवाया था कि यहाँ से कुछ मिला नहीं हुआ। हो सकता है यहाँ से कुछ मिला ही ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इंदिरा गांधी निकलवा लिया और अपने अंडे में रखा और राजा लोगों से झूठ बोला। सही बात, सुनने में आता है इमरजेंसी टाइम में महाराजा भवानी सिंह जुगंट गायत्री देवी को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था और जो दिल्ली आए उसको 72 घंटे के लिए स्विच कर दिया था। तो इसका मतलब ये देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया शस्त्रागार मंदिर है और शस्त्रागार है यहाँ पर, ये देख सकते हैं जी। ये म्यूजियम है, इसमें ऐसे कैनन बैरल है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा तो दिखा ना। हाँ हाँ हाँ, उसके ऐसे बैरल्स इसमें, इसमें राउंड करके आओ, मैं आगे मिलता हूँ। ठीक ठीक है ठीक है, कृपया किसी वस्तु के हाथ न लगाना। अच्छा ये है, ये देख लो भाई, ये राजाओं की चीज़ें हैं यहाँ पर, बेहतरीन। ये देख लो ये बग्घी है, हाँ जी, ये देख लो भाई, ये देख लो, लेंगे इसको टिकट। ये देख लो भाई, ये हैं राजा जी ऐसी घर, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, ये शस्त्र होते थे भाई, ठीक है। और ये मिर्जा राजा जयसिंह का ये है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिस्टमेटिक काम है यहाँ पे, और ये इनके हथियार है भाई, आप देख सकते हैं। ये देख लो, ऐसी ये बंदूकें होती थी, ये तलवारें हैं राजा साहब की। ये तलवारें हैं भाइयों, ठीक है। पर्पज के लिए बनवाया गया था। अच्छा, किला अच्छा, जोधा भाई की एक हमने कहानी सुनी, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। जोधा भाई कंप्रोमाइज किया था, नहीं जोधा भाई की शादी अकबर से इस वजह से की गई थी कि वो किला वगैरह उसका कैश नहीं, वो तो उनमें कॉम्प्रोमाइज था ना, इसलिए कॉम्प्रोमाइज था, कॉम्प्रोमाइज से की। अच्छा, जो ये प्राइवेट ये है अपना, ये कौन कौन सा है राजा साहब का? एक तो प्राइवेट ये है सिटी पैलेस एंड जेड एयरपोर्ट। अच्छा, दो हैं ये, और सब गवर्नमेंट के अंडर, और सब गवर्नमेंट के अंडर में। और बता दो कुछ, बस और क्या, बस यही हो गया। इधर है लक्ष्मी, लक्ष्मी विलास, ये देख लो भाइयों, इधर आप ये दे सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लो भाइयों, ये यहाँ से अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, ललित मंदिर लक्ष्मी विलास। ये देख लो, ये पुराना सामान है राजाओं महाराजाओं के, ये दिखाते हैं आपको, ये देख लो, ये देख लो,
नहाने का था और 2-3 किलोमीटर में बना हुआ है भाई। ये देख लो, तो भाइयों आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया राजा मानसिंह का जयगढ़ का किला। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी अगली नई शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यह है खाना खाने की जगह, राजाओं के खाना खाने की जगह थी। यहाँ पर खाना खाते थे भाई राजा। ये देख लो, देख सकते हैं आप, ये राजा साहब बैठे हैं। ये देख लो, ये देख लो, जनाना शाही भोजनशाली, ये देख सकते हैं आप। नहीं दिया, जो खाना खाने की जगह होती थी ना वो खुली होती थी। देख लो, खुली होती थी, खुली बिल्कुल, खाना खाने की भी और बनाने की जगह। ये कुछ बर्तन हैं इनके, देखो राजा साहब के टाइम के। तोप का कारखाना, यहाँ पर तोपे वगैरह बनते हैं। ये देख लो, यहाँ पर तोपे रखी हुई हैं, देख सकते हैं आप, तोपे रखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तोपे बनती थी, बहुत बड़ा कारखाना था तोप बनाने का यहाँ पे। यहाँ आगे ये तोप बनाने का कारखाना है, हमने आपको दिखाया। ये आगे हम ऊपर, सबसे ऊपर है, हम सबसे ऊंची जगह है जयपुर की, आप देख सकते हो। ये देख लो, बाकी इन दो बड़ा बीच में सही जगह है।